छह नंबर भी याद है, बस फिर इनके छह नंबर भी याद करने उसे खत्म करता हूँ, हजरत का बयान मुकसर होगा इंशाल्लाह। इनके भी छह नंबर है। एक बेचारा तालिबे इल्म था, पढ़ने गया कहीं अरबियों के मदरसे में, अब वहां जब पढ़ना पड़ता था ये सर्फ याद करो नाम याद करो, ये बड़ा तंग आया। ऐसा मदरसा हो जहां बगैर पढ़े सर्फ मिलती हो। अब बेचारा बैठा है, कोई गैर मुकल गुजरे ने कहा यहाँ बैठा, उसने कहा भाई मदरसे वाले पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ने को जी नहीं चाहता, घर वाले तंग करते पढ़ के आओ संद ले के आओ, तो फिर हमारे यहाँ आ जाओ। वो ले गया उसने संद लिख दी, ये ले लो, उसने कहा संद तो लिख दी लेकिन ये तो मुझे पढ़ने भी नहीं आती, क्या लिखा है इतनी आता। मैं कहा कि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाते, बस छह नंबर याद कर लो। कौन सा? उनका पहला नंबर ये है कि जब किसी से मिलो वो जिस हाल में हो कौन कहो इस किस्म का रुमाल किस हदीस में आता है जी, यो बैठना किस हदीस में आता है, इस किस्म की रेड़ी किस हदीस में आती है, इस किस्म की ऐनक किस हदीस में आती है, इस तरह की टेप किस हदीस में आती है। अब वो बेचारे भागे फिरेंगे कि मौलवी साहब की हदीस निकाल के दो, वो हदीस वाला आ गया, वो हदीस के बगैर बात ही नहीं करता। और तेरा काम होगा कि गली बाजार में कहे बस जी उम्मतियों की फिका पढ़ाते हैं, किसी को हदीस नहीं आती, मैंने हदीस पूछी कोई बता सका नहीं। अब इतने काम के लिए किसी इल्म की जरूरत है? ये छह साल के एक बच्चे को हम भेज देते हैं, वो बाजार में हर रेड़ी पर हाथ रख के पूछेगा कि ये रेड़ी किस हदीस में भी आती है, पूछेगा या नहीं आती? उसने कहा ये तो बात हजरत आपने घोर की बात बताई, मैं तो किसी को चैन कोई मेरे सामने ना खड़ा हो के खड़े होने की हदीस पूछेगा, कोई ना बैठे कोई कपड़ा पहनेगा तो रंग की हदीस पूछ लूंगा, ये तो आपने ऐसा काम बताया कि किसी को मैं चैन से अब बैठने नहीं दूंगा। लेकिन एक दिल में खदशा है थोड़ा सा, वो क्या कि आखिर मैं भी वहां जाकर कोई काम करूंगा या नहीं, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये किस हदीस में है फिर। उसने कहा डरते क्यों हो, दूसरा नंबर याद कर लो। ये क्या ये कहा जब तुमसे कोई पूछे ना कि ये तुम्हारी आने किस हदीस में है तो फौरन जवाब देना किस हदीस में मेरा है, किस हदीस में मना है, और पूरे इलाके में शोर मचा देना कि कुछ नहीं आता हनफियों को, इस ऐनक के सबूत की हदीस मांगी थी उसके मना की मांगी थी, ना वो मिली ना ये मिली। कितने नंबर हो गए? दो। उसने कहा कि ये तो बात ठीक है लेकिन सारी दुनिया अनपढ़ों की नहीं, मसलूम इतना बड़ा मदरसा है जहां दौरा हदीस भी होता है, अब मैं कोई ऐसी बात पूछ बैठूं जो सच मुझे हदीस में मिल जाए और वो हदीस ले आए तो ये बताओ कि मान लूं या ना। उसने कहा मानने की क्या जरूरत है, देखा फिर अब क्या करो, देखा तीसरा नंबर एक उन्हें बता दो कि जिस तरह राफजी हजारों सहाबा में से चार पांच को मानते हैं, हम हदीस की सैकड़ों किताबों में से सिर्फ छह मानते हैं, बाकी मानते हैं। अब वो तहावी चीज रहेंगे ये नहीं हमें मानता, ये नहीं मैं मानता, यानी किसी एक हदीस का इनकार नहीं पूरी किताबों का इनकार है। हालांकि आपके द्वारा हदीस शरीफ हो रहा है, कभी किसी तालिबे ने ये नहीं कहा कि इमाम बुखारी शाफी थे मैं हनफी हूं, मैं नहीं पढ़ता बुखारी, किसी उस्ताद ने ये कभी नहीं कहा कि अबू दाऊद तो हम्बली थे मैं क्यों पढ़ाऊं अबू दाऊद, भाई मौता इमाम मालिक मालकी पढ़े हम क्यों पढ़े, हम कहते हैं हदीसे तो अल्लाह के नबी पाक की है ना, हमारे यहां ये जिद और तासुब नहीं, ये मेरा तेर नहीं कि ये हदीस मेरी है और वो तेरी है। वो कहते पीर साहब थे उनके मुरीद एक गांव में रहते थे, कहीं आपस में दोनों मुरीद लड़ पड़े, पीर साहब बेचारे आ गए, जो पहले घर मुरीद का आया ना वहां चले गए, वो लड़े हुए थे दोनों, तो किसी ने बताया कि हजरत तशरीफ लाए हैं तो सारा सवाब तो खिदमत का वो कमा रहा है। इसने कहा कि पीर साहब तो हमारी मुश्तरका जायदाद है ना, चलो मैं भी जाता हूं। ये गया तो वो एक टांग दबा रहा था हजरत की, ये हालत थी, ये जल्दी से इसने ये दबानी शुरू कर दी, लेकिन जरा तेजी में जो बैठा ना तो ये अंगूठी उंगली इस टांग को लागी जिसको दूसरा दबा रहा था, उसने समझा कि इसने मेरे हाथ में दस्तंग अंदाजी की है, उसने पीर साहब की टांग पर जोर से मुकाबला, तू कौन होता है मेरी टांग को उंगली लगाने वाला।
ये उठा, ये डंडा ले यार, जोर से करा, मैं तू कौन होता मेरी टांग पर मुक्का मार। अब वो उठ के कुल्हाड़ी ले आया, उसने कहा अल्लाह की कसम आज शरीक की टांग नहीं रहने दूंगा, काट के छोड़ूंगा। ये सब बेचारे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है टांग मेरी आई, अल्लाह के वास्ते माफ कर। वो कहता नहीं नहीं, ये शरीक की टांग है, ये हम काट के छोड़ेंगे। गैर मुकल्लद कहता है बेशक तहावी में नबी पाक की हदीसें हैं, लेकिन लिखने वाला हनफी है, ये शरीक की टांग है, हम इसको काट के छोड़ेंगे। मोहता इमाम मोहम्मद ने बेशक हदीसें अल्लाह के नबी पाक की हैं, लेकिन ये शरीक की टांग है, इसको हम काट के छोड़ेंगे। ये मेयर और तेयर के लिए तीसरा नंबर रखा हुआ है, किताबों का इनकार हो रहा है। और हमारे पास दोस्त आते हैं कि ये किताब वो नहीं मानते, इससे हदीस ना दिखाओ, क्यों ना हम उनके लिए अपने नबी के हदीसों का इनकार करें। मैं कहता हूं जिस किताब को ना माने उसकी पहले दिखाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग मुनकरीन हदीस में थे। आप हदीसें पढ़े बार बार उसी किताब से, आप हैरान होंगे, कूद कर भागेगा हदीस सुनकर। तो कितने नंबर हो गए? हमारे जिला उकाड़ा में एक हाई स्कूल है, उसके हरमाज साहब बाबा फरीदुद्दीन गायशकर की औलाद में से है। बेचारे नमाज नहीं पढ़ते थे, पांच टीचर गार मुकर्रर है, चार तो फारूक तहसील आलम और पांचवा बेचारा करीम जी है साइंस टीचर। हमारा एक चला गया बेचारा तबलीगी जमात वाला यासीन ताइब उसका नाम है, वो हरमाज साहब को रायगढ़ ले गया, दो चार दिन भी लिखवा दिए। नतीजा ये हुआ कि हरमाज साहब पक्के पांच वक्त नमाजी बन गए। अब एक तो है ना तबलीगी जमात का काम कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनको कहना भी नमाज पढ़ो, ठीक है ना। खेतों में फिर रहे भी आप कहां थे? वो बेचारा मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन नमाज में सोते याद दिलाने गए। दुकान पर खड़े हैं, मकान पर खड़े हैं, तो आपके इलाके में गैर मुकल्लद भी आठ अड़ता था जाते हैं बेनमाजों के पास? नहीं, इनका काम बाद में शुरू होता है। जब शुरू कर दी किसी ने नमाज, फिर ये आ जाते हैं, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं। उनका काम है बे नमाज को नमाज पर लगाना, इनका मिशन है नमाजी के दिल में इतने वसवसे डालना कि वो बेचारा छोड़ ही जाए कि नहीं होती तो क्या। उनके उल्ट मिशन है। तो अब वो हरमाज साहब जो नमाज पढ़ने लगे, अब आ गया ये हरमाज साहब, आपकी तो नमाज ही है, आपका तो वजू नहीं होता। इस सलात रसूल आगे साल को टिकी, उधर से जनाब कई किताबें ढेर लग गया। अब बेचारों को नया नया शौक हुआ था हदीस पढ़ने, दीन की बात तरफ, तो उसने पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन मौली यासीन ताहिर से कहने लगा कि यासीन भाई तेरा मैं शुक्रगुजार तो बहुत, तो नमाज पर लगा दिया, लेकिन मैं अब आगे जा रहा हूं जरा। तो आगे किधर? उसने कहा देखो कितनी किताबें हैं हदीस की। उसने देखा, देखा कि दो चार दिन ना जाए, हम अमीन साहब को बुलाते हैं जरा, फिर जल्दी बुलाओ। फिर मैं गया, उन्होंने सलातुर रसूल निकालकर मेरे सामने रखे, मां साहब ने सारे टीचर भी बैठे थे, कहेंगे ये जो हदीस उबादा बिन सामत वाली, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें नसाई शरीफ का हवाला भी था। मैंने नसाई खोल के सामने रखी, मैंने कहा सादिक साहब ने जो आखिरी जुमला लिखा ना इसमें, फइन्नहु ला सलात लिमन लम यकरा बिहा, ये नसाई में नहीं है। फिर मां साहब कहने लगे ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो गया है, हो सकता क्या? अब वो देखे दोनों तरफ किताब को, तो मौली साहब ये क्या है, इतना धोखा? मैंने कहा ये तो उसका है जिसका नाम सादिक है, जिनका